ओके सो कल हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस सारी चीजें देखे, राइट? तो कल का लेक्चर जो भी हुआ, राइट किसी को कुछ डाउट, किसी ने बाद में रिवीजन किया, उसमें किसी को कुछ भी डाउट है? सबको समझ में आया व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज को डोमिनेंस? यस ओके सो नाउ वी आर डीलिंग विद द मल्टीपल अलिलिज्म, राइट? सो मल्टीपल यस अलिलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या, इट इज द फेनोमिना जहाँ पे आपका मोर देन टू अलील्स आर प्रेजेंट, यस और नो? यस यस ओके सो बच्चा लोग, कल हम लोग जो मल्टीपल अलील्स का कर रहे थे उसमें दो एग्जाम्पल थे, एक बेंग्स और ड्रोसोफिला का भी है एज वेल एज ब्लड ग्रुप का भी है. सो एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख रहे थे, दैट इज कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ओके जिसमें हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म्स का स्टडी कर रहे थे. सो जनरली हमने कितने फिनोटाइप्स देखे थे? सो सबसे पहले अलील्स हमने बनाए थे, राइट? यस सो अलील फ्रॉम पेरेंट वन, अलील फ्रॉम पेरेंट टू, एंड नेक्स्ट दोनों का अलील मिलने के बाद में जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. ओके बच्चे का कैसा होगा जीनोटाइप? जीनोटाइप के बाद में क्या होता है बच्चे लोग, आप लोग का फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब क्या, एक्चुअल में ब्लड ग्रुप कैसा है, राइट? यस जिसमें से यस हम लोगों ने एक देखा था कि जब व्हेन वी आर कंसिडरिंग अलील, जब आपका यहाँ पे आई ए आई ए, तो यहाँ पे आपका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दिस इज आई ए राइट? यस दिस विल बी द जीनोटाइप. और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ए यस ए ब्लड ग्रुप. ओके अब मैं जीनोटाइप्स बनाऊंगी, आप मुझे बताना ब्लड ग्रुप क्या होगा. सो दिस इज आई बी बी जीनोटाइप इज बी ब्लड दिस, ग्रुप यस. नाउ आई ए, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ए ए, ब्लड ग्रुप ए यस. नेक्स्ट इज अगेन आई बी है, एक का रिसेसिव है, सो दिस इज आई बी एंड आई आई, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? बी बी बी, बी यस. सो नेक्स्ट, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक पेरेंट का जो अलील है ब्लड ग्रुप दैट इज आई ए, अनदर पेरेंट का आई बी है, सो ये आई ए आई बी, सो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? बी ए बी. आर यू श्योर? सब यस लोग श्योर है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए ए बी बी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग, कि आपका जो मल्टीपल अलिलिज्म है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी इसको एग्जाम्पल कंसिडर करोगे, सो 50-50% पार्शियली उसने खुद को एक्सप्रेस किया, राइट? सो 50% यू यस कैन सी हियर 50% ए 50% बी, तो 50-50% पार्शियली यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेस किया गया है. और अदरवाइज अगर आप को डोमिनेंस में देखते हो तो भी यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है 50-50%, राइट? तो यस यस सबको समझ में आया ये? ओके यस इसके बाद नेक्स्ट, नाउ इसका हम लोग उल्टा करेंगे. अभी यहाँ पे आई ए पेरेंट का, सो नाउ दिस इज आई बी एंड दिस इज आई ए, सो अगेन आई ए आई बी, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? ए ए बी यस. ओके एंड द लास्ट वन इज ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ओ ओ ओ यस, तो ये आपको आ रहा है, राइट? समझ में आ गया सबको? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलिलिज्म जहां पे यू कैन सी कि मोर देन टू अलील्स कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर. ये कैसे समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पे देखो, ये ब्लड ग्रुप ए है, राइट? दिस इज ब्लड ग्रुप ए एज वेल एज दिस इज ऑल्सो ब्लड ग्रुप ए. सो यहाँ पे दो अलील्स आपके रिस्पॉन्सिबल है, वन दिस राइट?
two alleles are responsible for controlling this blood group A. Yes or no? Yes. Again, similarly, ये भी blood group क्या है? A ही है. यहाँ पे भी दो alleles involved है, IA and II. So ultimately, this is also blood group A only. So यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो most important part है ना, बस चलो इसका ये है कि there are four phenotypes but six genotypes. समझ में आए? इसमें से इम्पोर्टेंट ये है, बिकॉज इस टॉपिक से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फोन फिनोटाइप मतलब आपको यहाँ पे चार ब्लड ग्रुप मिल रहा है. फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ, राइट? यस यस. दिख रहा है सबको? यस yes. क्योंकि यहाँ पे दो बार बी रिपीट हुआ है, दो बार ए रिपीट हुआ है. तो फिनोटाइप्स कितने हो गए बच्चा लोग? चार अल्टीमेटली, ए बी एंड ओ, राइट? लेकिन जब हम जीनोटाइप्स कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 2A, 2B, 2AB एंड 1O. यस, ओके. तो जनरली इसको सिक्स फिनोटाइप्स कंसीडर किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो ए बी वाला फंडा है ना, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो ये इसमें इस ए में और इस ए में फर्क है, राइट? बिकॉज यहाँ पे दोनों ए है और यहाँ पे ए आई है, लेकिन जो ए बी वाला हमने रिपीट किया यहाँ, तो वो सिर्फ आपको ऐसा समझने के लिए कि अगर यहाँ पे समझ लो ये आपने फादर कंसिडर किया एंड दिस इज योर मदर, ओके. तो यहाँ पे वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मदर का ए है, फादर का बी है, तो फिर भी आपका क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है. और मतलब आप सेकेंड टाइम में जब कंसिडर कर रहे हो फादर का है, तो भी आप ये ए बी वाला दोनों देख सकते हो, ये वाला और ये वाला. देखो ये दोनों सेम ही है, राइट? यस. इसीलिए इसको एक ही जीनोटाइप कंसीडर करेंगे. सो अल्टीमेटली देयर इज फोर फिनोटाइप्स एंड सिक्स जीनोटाइप्स. सो फोर फिनोटाइप तो ये चार है, जीनोटाइप्स कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके. 5 एंड 6 इसमें से एक आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है. वो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि मदर और फादर का जब इंटरचेंज भी होगा तो भी ब्लड ग्रुप आपका कैसा आएगा? ए बी ही आएगा, ओके. तो अल्टीमेटली यहाँ पे डोमिनेंट वाला और वो वाला फंडा नहीं. हाँ बच्चा बोलो. मिस ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स का ए और एक पेरेंट का बी रहता है और ऑफस्प्रिंग को ए आता है नहीं तो बी आता है. पेरेंट का ए और मिस एक पेरेंट का ए, दूसरे पेरेंट का बी और ऑफस्प्रिंग का ए हो सकता है नहीं तो बी भी हो सकता है. यस, बिकॉज़ वो हम लोग अभी क्रॉस करके देखते हैं. जैसे हम क्रॉसेस करते हैं ना, सारी चीजें, एवरीथिंग इज पॉसिबल. बताओ आपने क्या बोला? एक पेरेंट का क्या है? ए है और दूसरा पेरेंट का बी है. ओके, और रिजल्ट में आपने क्या बोला? क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बी. ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है बच्चा लो, यहाँ पे ना अभी आप ये देख सकते हो कि अगर एक पेरेंट का ए है, एक पेरेंट का बी है, तो भी देयर इज चांसेस कि चाइल्ड का ओ ग्रुप आ सके. इट इज लाइक दिस. देखो अभी यहाँ पे ब्लड ग्रुप आया ए बी, ब्लड ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे? ए हो जाए. ओके, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी एंड यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ. सो देयर इज इस टाइप से पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज ए का एलील इज एक्सप्रेसिंग ए. तो यहाँ पे जब आई प्रेजेंट होता है तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर पेरेंट का ए और बी है फिर भी बच्चे का क्या आ रहा है? ओ आ रहा है. तो पेरेंट का अगर ए बी है, क्या बोला आपने बच्चा? ए बी ना? यस yes. तो ए बी हो जाएगा तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो बी. ओके, इस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं. सबको समझ में आया ब्लड ग्रुपिंग? यस. एनी डाउट टू एनीवन? नो. सो नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका मल्टीपल अलील्स का बच्चा लोग, दैट इज विंग्स ऑफ द ड्रोसोफिला. ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल अलील्स का जैसे विंग्स होते हैं ना, विंग समझते हो राइट? तो यहाँ पे ड्रोसोफिला का विंग्स का जो साइजेस है ना, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा ओवरली हम समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद द मल्टीपल एलील्स. सबको अच्छे से समझ गया है? यस और नो?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा लोग, एक साइड आपको फिनोटाइप दिया एंड अनदर वन साइड इज जीनोटाइप, राइट। सो फिनोटाइप में वी कैन सी कितने टाइप के विंग्स है। आपका पहला नॉर्मल विंग्स है, निग्ड विंग्स, नॉट विंग्स, स्ट्रैप विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स। ओके, फिनोटाइप एंड देन अगेन इसका जीनोटाइप। सो नॉर्मल विंग्स का योर जीनोटाइप इज वीजी प्लस, निग्ड विंग्स का VGNI, नॉच विंग्स का VGNO, स्ट्रैप विंग्स का VGST एंड वेस्टिजियल विंग्स का VG। ओके, सो यहाँ पे भी सेम, सिर्फ ऐसा दिया है बच्चा लोग कि आपका जो साइज का विंग्स है ना वो नॉर्मल विंग्स से वेस्टिजियल, वेस्टिजियल विंग्स मतलब होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट, कोई विंग्स ही नहीं है, देयर इज नो विंग्स। ओके मैम, साइजेस, हाँ बच्चा बोलो। मैम समझो, अगर फिनोटाइप में नॉर्मल विंग्स की जगह अगर एबनॉर्मल आता तो वीजी नेगेटिव होता जीनोटाइप पे। नॉर्मल विंग्स की जगह एबनॉर्मल विंग्स, हाँ तो जीनोटाइप तो बच्चा यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ना। नॉर्मल विंग्स मतलब ये बोला गया है कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट विंग्स है ना दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे भी टाइप्स दिए गए हैं, जैसे अभी ब्लड ग्रुप के हमने फिनोटाइप्स में टाइप्स देखे ना, A, B, AB, वैसे ही। तो यहाँ पे भी नॉर्मल विंग्स मतलब ऐसा प्लस माइनस वैसा कुछ नहीं है। इट इज लाइक, देखो मैं तुमको बताती हूँ, नॉर्मल विंग्स मतलब है प्रेजेंस ऑफ विंग्स, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस का साइन दिया है। वेस्टिजियल मीन्स एब्सेंस ऑफ विंग्स, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया है साइन, समझे। दिस इज नॉर्मल विंग की वहां पे कुछ अलग है। नॉर्मल विंग्स मतलब यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट है इसलिए प्रेजेंस का साइन दिया। वेस्टिजियल मीन्स एब्सेंट है इसलिए वेस्टिजियल में यहाँ पे ऊपर आपको कुछ भी लिखा नहीं है, देखो खाली है ये, मतलब नो विंग्स ऑलमोस्ट। ओके, निग्ड में NI, नॉज में NO, इसी के फर्स्ट लेटर्स भी है। ओके, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि कुछ अलग से इसका स्पेशल किया गया है, सिर्फ यहाँ पे जो भी नॉर्मल मतलब स्टार्टिंग में आपके विंग्स प्रेजेंट है तो वीजी प्लस दी है, वेस्टिजियल है तो सिर्फ वीजी, निग्ड का NI, नॉज का NO, स्ट्रैप का ST। ओके, तो यहाँ पे भी इट इज वेरी सिंपल कि आपके पास चार, 1, 2, 3, 4, 5 पांच टाइप के फिनोटाइप्स है, राइट, और जीनोटाइप भी आपके 5 टाइप्स के। तो द साइज ऑफ द विंग्स फ्रॉम नॉर्मल विंग्स टू वेस्टिजियल विंग्स मतलब ऑलमोस्ट नो विंग्स just terms is due to the one allele, okay? तो ये सारे changes किसके वजह से हो रहे हैं, सिर्फ एक allele। अभी आपका जो यहाँ पे homozygous condition में, okay? No wings मतलब क्या, it is in a homozygous condition। अभी जैसे हम लोगों ने II blood group देखा ना, जब हमने इसका cross कराया blood group का, तो last में हमको O मिला, बराबर? Yes or no? Same। Yes। तो यहाँ पे जब आप wings का भी crosses देखोगे ना, तो इट इज लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, XW, ओके, मतलब प्रेजेंस ऑफ विंग्स है, और यहाँ पे एक्स माइनस मतलब विंग्स आपके क्या है, एब्सेंट है। तो सिमिलरली सेम, अब यहाँ पे अगर हम दो कर रहे हैं तो इट इज लाइक कि जब आपका यहाँ पे क्या है, विंग्स प्रेजेंट होगा। ओके, समझ में आ रहा है, क्रॉस समझा बच्चा? Yes, ma'am। देखो XW हमने लिया प्रेजेंस ऑफ विंग्स के लिए, ठीक है, दोनों विंग्स प्रेजेंट है उसके लिए XW कंसिडर किया, और यहाँ पे X- लिया हमने मतलब विंग्स आपके एब्सेंट। जैसे हमने ब्लड ग्रुप का लिया था ना AI मतलब IA II, ऐसा समझा? जी प्लस लिखू क्या तो समझेगा आपको, W मतलब वो सिर्फ विंग्स प्रेजेंस है, माइनस में विंग्स एब्सेंस, और सिर्फ वैसा शॉर्टकट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो XW X- तो यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट, यस। तो यहाँ पे विंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। नेक्स्ट इसका हम कराते हैं XW X- सेम प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट होंगे। अगेन इसका क्या होगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट, यस। अगेन इसका क्या होगा? Present। Okay? तो यहाँ पे सबको समझ में आया। अब बच्चा yes। लोग हम लोग दूसरा क्रॉस देखते हैं। हेलो मिस। हाँ बच्चा बोलो। ये रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, एक मिनट।
ओके XW मतलब ये है बच्चा कि आपके विंग्स आर प्रेजेंट, ओके वीजी प्लस इसको लिख लो या XW शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, W फॉर विंग्स, ओके सो XW जब हम लोग विंग्स जहाँ पे प्रेजेंट है उनका क्रॉस करा रहे हैं विद दिस वन, जहाँ पे आपके विंग्स क्या है एबसेंट है, तो नॉर्मली यहाँ पे हमने क्रॉस करा है, तो XW और X माइनस है, तो मतलब विंग्स विल प्रेजेंट और एबसेंट, प्रेजेंट यस सेम यहाँ पे XW इसका किया तो यहाँ पे भी विंग्स प्रेजेंट है राइट, सेम जब हम इसका ये दोनों से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों जगह विंग्स आर प्रेजेंट करेक्ट, ओके तो अभी हम लोग दूसरा क्रॉस देख रहे हैं जहाँ पे हमने XW X माइनस लिया एंड XW X माइनस लिया, ओके तो यहाँ पे पहले तो हमको सब XW मिल रहा है करेक्ट, यहाँ पे हमको XW X माइनस ले रहा है, दोनों में विंग्स आर प्रेजेंट, समझ में आ रहा है सबको, यस यस ओके। नेक्स्ट कंडीशन बच्चा लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपका XW X माइनस आ रहा है, विंग्स आर प्रेजेंट राइट, बट द लास्ट वन यहाँ पे आपका X माइनस आ रहा है, मतलब द विंग्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट, यस सो दैट्स व्हाई जब आपका होमोजाइगस ये रिसेसिव अलील साथ में आ रहे हैं तो इट मींस योर विंग्स आर एब्सेंट, ओके सो जस्ट ड्यू टू वन अलील यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में ड्यू टू दिस वन अलील, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे अगर एक XW आ गया होता तो विंग्स प्रेजेंट हो जाते राइट, सो ड्यू टू वन अलील आपका जो नॉर्मल है यहाँ पे वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप से कैसा हो गया, वेस्टिजियल विंग टाइप इन अ रिसेसिव कंडीशन, तो जब रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस, ओके होमोजाइगस दोनों सेम सेम है ना, समझ में आ रहा बच्चा लोग, यस मैम हाँ, तो जब होमोजाइगस कंडीशन में दोनों भी रिसेसिव रहेंगे तो विंग्स आर गोइंग टू बी गेट एब्सेंट, तो क्लियर है सबको समझ में आया, यस मैम, तो ये वैरायटीज है जैसे हमने ब्लड ग्रुप का देखा ना बच्चा लोग, फेक आपका नॉर्मल विंग से लेके वेस्टिजियल विंग्स नहीं होने तक, प्रेजेंट से लेके एब्सेंस तक बीच में इतना तीन वैरायटी जैसे हमने ब्लड ग्रुप का देखा, प्रोसेस सारे के सारे सेम है आप देख सकते हो, ओके तो यहाँ पे यही बोला है कि ड्यू टू वन अलील यहाँ पे अगर एक XW आ गया होता तो आपका विंग्स प्रेजेंट हो गया होता, बट यहाँ पे दोनों भी X माइनस होने की वजह से ड्यू टू द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन योर विंग्स आर एब्सेंट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस 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 हाँ बच्चा बोलो, किसी ने कुछ बोला क्या, ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी क्या है बच्चा लो, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर्स, Yes, when a single gene controls two or more characters. This is called as pleiotropy. Okay, so when a single gene controls many trait or you can say character, this is called pleiotropy. Or aise genes ko pleiotropic gene bola jata hai. Okay, and the phenomenon is called pleiotropism, jo ki hum log pehle bhi dekh chuke hain. So, इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों को रेशियो याद है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है बच्चा लोग रेशियो, 1:2:1 ओके फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक यस ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ओके तो अभी प्लियोट्रॉपी में हम लोग वापस से क्रॉस देखेंगे, इसका पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया सबको पता है Yes. क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, क्या होता है आरबीसी बिकम सिकल के शेप में आता है, यस आपका जो आरबीसीज है उसका जो शेप है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम्स सिकल सेल दैट इज हाफ मून शेप, ओके सो प्लियोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया जिसको भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ओके सो इसमें भी अभी प्रोसेस वगैरह हम देखेंगे, तो बच्चा लोग जो प्लियोट्रॉपिज्म का है ना इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 1:2, ओके जबकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे 1:2:1 बराबर, तो यहाँ पे हमको 1:2:1
सिर्फ 1:2:2 मिल रहा है, तो ये चेंजेस क्यों? अभी इसका क्रॉस देखेंगे सेम, अभी जैसे हम लोग बाकी सब प्रोसेस कर रहे थे सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे कि नॉर्मली दो अलील्स होते हैं बराबर कोई भी जीन कंट्रोल करने के लिए, तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन का यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखूं, दिस इज HB मतलब आपका हेमोग्लोबिन, ओके, ए स्टैंड्स फॉर नॉर्मल कंडीशन, ये समझा सबको? यस। ओके, अब आपको ये पता होगा बच्चा लोग कि कैरियर इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसीज पर्सन, ये पता है आपको? कैरियर और डिसीज पर्सन में फर्क पता है, राइट? यस। So now here one parent ka gene is HBA and the another one is sickle shape S. So this is going to be act as carrier. Yes, very good. And the next one is this. So this is called as sickle cell person. Samajh mein aaya? Yes. Yes. Okay. Ab ye wala person kya hoga? Normal. Normal. Right? This person will be? Carrier. And this person will be disease. Suffering from sickle cell anemia disease. Okay? So, ye sabko samajh mein aa gaya? Okay. So, now we will deal with the process. Mujhe pehle aap log ko yahi batana tha, ye aap log ko samajh mein aa gaya. Okay? So, yahan pe abhi hum log do carrier ka aapas mein cross karenge. Okay? Result dekhne ke liye kya milta hai? So, cross is between two carrier HBA HBS, okay? So ये हमारा क्या हो गया, this is our genotype. इसके ऊपर phenotype क्या आएगा बच्चा लोग, क्या लिखोगे? sickle cell carrier cross sickle cell carrier, okay? sickle cell carrier cross sickle cell carrier, सबको समझ में आया इतना? yes. ओके, जीनोटाइप भी समझ में आ गया। अब हम लोग इसका बच्चा लोग गैमेट्स, हमको पता है दोनों सेपरेट हो जाएंगे, राइट? इंडिपेंडेंटली क्रॉस दिखाएंगे। सो यहाँ पे अभी आपका जो F1 जनरेशन या फिर यू कैन से ऑफस्प्रिंग्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एक्ट एज नॉर्मल, राइट? यस। Next, this person is going to be act as carrier. Yes. This person carrier. Is going to carrier. Be carrier. Sickle cell anemia. Okay. तो सबको इतना समझ में आ गया? This person is बच्चा लोग, जनरली हमारा जीनोटाइप क्या होना चाहिए आप बताओ? नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो जीनोटाइप क्या होना चाहिए? 1:2:1, राइट? 1:2:1, सबको समझ में आया? यस। और फिनोटाइप में ऐसा मिलना चाहिए था? मिला ऐसा हमको? नहीं, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2 ही है, 1:2:1 नहीं है। सो एनी रीजन, किसी को समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? बिकॉज बच्चा लोग क्योंकि डिजीज वाले को काउंट नहीं करते, डिजीज वाला मर जाता है। फंक्शन ऑफ योर हेमोग्लोबिन इन योर ब्लड, ब्लड में हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ना एक हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है? 4। एनी आइडिया? 4। यस। सो आपका हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। अब जब आपका आरबीसी हाफ मून शेप हो जाएगा तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, राइट? सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो ये जितना ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा था उतना कर पाएगा क्या? नहीं। तो डिसीज वाले पर्सन में जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आता है तो पर्सन को क्या हो जाता है? डिसीज। तो ही अनेबल टू सर्वाइव।
तो ये कैसा होगा, इसका डेथ हो जाएगा. दैट्स व्हाई द फेनोटाइपिक रेशियो इज ओनली 1:2 रादर देन 1:2:1. ओके, तो ये चीज बस याद रखना है कि यहाँ पे इसका डेथ हो जाता है. और इसमें कुछ नया हमने नहीं किया, जैसे हम बाकी के क्रॉसेस करते इट इज सेम. बराबर, किसी को ऐसा कुछ डिफिकल्टी लगा दैट वी हैव डन समथिंग न्यू जो अभी तक हमको नहीं पता था, अभी तक हमने नहीं किया? ओके, तो सबको समझ में आ गया. अब यहाँ पे इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो भी देखो 3:1 अभी तक हम लोग जहाँ पे देख रहे थे वैसा नहीं आया. ओके, तो सबको समझ में आ गया ये बच्चा लोग? यस मैम. यस मैम. ओके, तो अगर दो कैरियर का शादी होगा तो आपको अभी देखो, जैसा हम लोग प्रेडिक्शन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली, तो आप बोले ना ऐसे कैसे मैम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अभी देखो सारे प्रोसेस वगैरह देख के अभी आपको भी आ गया प्रेडिक्शन करना, राइट? अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि दो कैरियर की अगर हम शादी करा रहे हैं तो ऑफरिंग के क्या चांसेस है कि मतलब कितने कैरियर बनेंगे और कितने डिसीज वाले बनेंगे, तो ये क्रॉस करके आप इमिडिएटली बता सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? यस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि फ्यूचर में जो ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं उनका क्या रेशियो निकलने वाला है, बच्चे अफेक्टेड होंगे या नॉर्मल होने वाले. सो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो कैरियर का शादी होता है, द मैरिज बिटवीन टू कैरियर, तो आपका रेशियो क्या निकलने वाला है. अनेमिक जो आपके चिल्ड्रन है, जीनोटाइपिक इज 1:2:1, राइट? एंड द फिनोटाइपिक इज 1:2. तो यहाँ से भी हमको क्या याद रखना है बच्चा लोग? रेशियोज. ओके, सबको समझ में आया? यस. ओके, किसी को कुछ डाउट इसमें? प्लियोट्रॉपी मैम, अगर क्रॉसिंग ओवर एक एक एनिमिक वाले का और एक नॉर्मल वाले का हुआ तो क्या? तो करके देख लेते हैं ना बच्चा, व्हाट इज द बिग डील इन दैट, कैरियर आएगा करके देख लेते हैं. अच्छा, सबको समझ में आ जाएगा ना. एक एनिमिक पर्सन एंड द अनदर वन इज क्या बोला बच्चा आपने? नॉर्मल. नॉर्मल. ओके, नॉर्मल. ओके, दिस वन इज एनिमिक डिजीज वाला पर्सन एंड दिस इज नॉर्मल पर्सन, करेक्ट? सब करके देख लेते. समझ में आया बच्चा आपको? आपका रिजल्ट मिला? यस मैम. सो दिस इज वेरी इजी, जस्ट बाय राइटिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप फिनोटाइप का भी पता लगा सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट द जीनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो. सो सबसे जो मेन है वो आपको प्रोसेस आना चाहिए, एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या प्रोसेस करते हैं. तो आई थिंक सो वो अभी आप सबको अच्छे से आ गया है, राइट? तो यहाँ पे वी कैन सी कि चार के चारों क्या है, कैरियर है, करेक्ट? अभी यहाँ पे चाहिए तो हम और राइट कर. क्या बच्चा? ये सिकल सेल वाला मर जाएगा तो क्रॉस नहीं होगा. कौन सा सिकल सेल वाला मर जाएगा? ये वाला ना. हाँ, बिकॉज क्रॉस मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली वी आर डूइंग द मेटिंग्स, राइट? तो जब ये सिकल सेल वाला पर्सन है तो ये तो पहले ही डाई हो जा रहा है ना, इसीलिए तो हमको चार कैरियर मिलना इट इज लाइक नॉट पॉसिबल ओनली. बट यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं हाइपोथेटिकली, अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया है तो यू आर एबल टू डू द थिंग्स, राइट? अकॉर्डिंग टू अगर ये पर्सन सर्वाइव करता तो वी नो कि हमको ये रिजल्ट मिलने वाला था, बट ये पर्सन इनिशियल स्टेज पे ही डाइज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन. तो दिस प्रोसेस अल्टीमेटली नॉट पॉसिबल, बट हमारा काम है नॉर्मल. आप ऐसे ही दूसरे प्रोसेस भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने दो कैरियर का आपस में करा लिया, एक नॉर्मल और एक सिकल सेल पर्सन का करा लिया. नाउ वी कैन डू वन मोर क्रॉस कि हम नॉर्मल और एक कैरियर का करें. ओके, ताकि एकदम अच्छे से आपको क्लियर में आ जाए. तो दिस इज नॉर्मल पर्सन, एक हम कैरियर का करेंगे. ओके बच्चा लो, करना है या नहीं आप लोग को? सो दिस वन इज AA नॉर्मल, राइट? समझ में आया ना सबको? मिस दो कैरियर, बाकी सब नॉर्मल है.
यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी एस दैट इज कैरियर, दिस इज ऑल्सो एस कैरियर, सो 50% कैरियर 50% नॉर्मल. ओके तो यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक? 50% नॉर्मल है, नहीं आएगा. सोच के बताओ क्या आएगा. 2:2 राइट, 1:2 जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक? जीनोटाइप. ओके और फिनोटाइपिक क्या आएगा? आई थिंक यहाँ पे दोनों भी सेम ही है. दोनों भी तो 2:2 ही हुआ ना. आप नॉर्मल अगर फिनोटाइपिक भी ले रहे हो तो दो नॉर्मल है, मतलब 50% नॉर्मल 50% कैरियर, तो फिनोटाइप भी आपका वही है जीनोटाइप भी वही है. ओके अब मुझे एक चीज बताओ, इसका आर यू श्योर 2:2 आएगा? थिंग्स आर राइट बट जब हमको 10/10 दिया जाता है हम क्या निकालते हैं? 1:1 सेम बच्चा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेशियो विल 1:1. तो गलती से भी आगे कंफ्यूज मत होना अगर आपको ऐसा आएगा तो. ओके अगर वो आपको दिख रहा है डिवीजन फॉर्म में है यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो आप इसको कर सकते हो. ओके जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे हमने डायहाइब्रिड का देखा था, अगर हम यहाँ पे उसके जगह कोई दूसरा लेते हैं ओके तो इसका आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 3:3:2:1:2:1:2:1 समझ में आया सबको? 3:3:9, 3:2:6, 3:1:3, 3:2:6, 3:1:3. सो दिस रेशियो विल सिंप्लीफाई लाइक दिस. सबको समझ में आया? लेकिन ये सिंप्लीफाई कब होगा? जब सारा का सारा सेम टेबल से जाएगा. ओके अब ऐसा मत कर देना आप लोग कि यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो इसको भी आप ऐसे ही कर दोगे, ये इसको 3 के टेबल में और इसको 2 के टेबल में डिवाइड कर दोगे. समझा? सो सेम टेबल से सारा का सारा क्यों से सिंप्लीफाई, सेम टेबल से सारा का सारा सिंप्लीफाई होना चाहिए, तब आप इसको आगे और रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो. तो सबको समझ में आए यहाँ तक बच्चा लोग? यस मैम. सारे टाइप के प्रोसेस कर लोगे अभी आप लोग? यस. सो नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके सो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको प्रपोज्ड किसने किया था. ओके दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो क्रोमोसोमल थियोरी वॉज अल्टीमेटली इट इज प्रपोज्ड बाय सुटोन एंड बोवरी. ये दो नाम आपको याद रखना है. ओके बच्चा लोग तो कहीं पे भी आपको अगर क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिख रहा है तो इट इज प्रपोज्ड बाय होम. सुटोन एंड बोवरी आर द टू साइंटिस्ट. उनका पूरा नाम वैसे तो वॉल्टर सुटोन एंड थियोडोर बोवरी है, लेकिन आप शॉर्टकट में सुटोन एंड बोवरी बोल सकते हो. ओके तो इन्होंने क्या किया, दे हैड स्टडीड द पैलर बिहेवियर. जो मेंडल ने जीन्स का आइडेंटिफिकेशन किया था ना, उसका इन्होंने एक बार पैलर बिहेवियर पूरा का पूरा क्या किया, वापस से स्टडी किए. मेंडल के एक्चुअली जो उन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया था ना बच्चा लोग, इट वॉज अनरिकॉग्नाइज, मतलब ना उसको किसी ने पहले तो माना ही नहीं, सबने बोला कि वो पागल है. क्योंकि वहां पे आप देख सकते हो हमने थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए, यस और नो, टेबल से कैलकुलेशन वगैरह किया. तो पहले तो बायोलॉजिस्ट जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि बायोलॉजी में मैथ्स का कुछ काम ही नहीं है, ही इज मैड, ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैथ्स का हम कैसे कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो जो मेंडल का जो उन्होंने वो पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन किया भी थे ना बच्चे लोग 7 इयर्स, उसको किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं. तो उसको बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने रिकवर किया, उसके ऊपर सर्च किया, उसको फिर जब वापस से लोगों ने आइडेंटिफाई करके प्रूफ किया, उसके बाद जाके वो रिकॉग्नाइज हुआ कि फिर ऐसा फाउंड किया गया कि हाँ मेंडल वो टाइम पे इट ही वॉज करेक्ट एट हिज टाइम. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?
yes. हाँ, yes, because ultimately, Mendel का जो वर्क था ना बच्चा लोग, उन्होंने तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का अप्रोच यूज किया था, स्टैटिस्टिक्स यूज किया उन्होंने, जो कि बायोलॉजी में जल्दी कोई करता ही नहीं है. तो इसी वजह से उसको ना जल्दी किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो मेंडल का जो भी फैक्टर्स है, जो जीन्स का जो भी कंसेप्ट है ना, वो पहले किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सुटोन एंड बोवरी, उनको जैसे ही पता चला ना बाद में मेंडल का ऐसा ऐसा है, उन्होंने जीन्स जो मतलब मेंडल के टाइम पे जीन्स को क्या बोलते थे, फैक्टर्स. मेंडल ने मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल को नहीं पता था उस चीज को जीन्स बोलते, जीन्स बहुत ही बाद में नाम है. तो अकॉर्डिंग टू मेंडल कि फैक्टर्स करके कुछ तो है जो कि बहुत ही स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होता है, जो कि सारा का सारा एक्सप्रेशन कैरेक्टर का कंट्रोल करता है. वो तो अभी हमको अभी तो तुम बच्चे बच्चे को पूछोगे तो बच्चा बच्चा बता देगा कि हाँ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, हेरिडेटरी मटेरियल है, राइट. अभी सबको पता है, बट वो टाइम पे इतना नहीं पता था. सो आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो मेंडल ने सिर्फ ये कंक्लूजन दिया कि देर इज सम फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर्स, और यू कैन से ट्रेट. ओके, बट एट दैट टाइम ही वाज नॉट नोइंग कि इसका नाम जीन्स है. तो उसको बाद में सुटोन एंड बोवरी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है, जो कि बाद में बहुत ही प्रूफ हुआ. ओके, तो सुटोन एंड बोवरी ने क्या किया, मेंडल का जो भी फैक्टर्स था जीन्स, उसके ऊपर स्टडी किया. फिर उन्होंने ये सारी चीजें प्रूव की कि दे डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर. ब्लेंड मतलब क्या, वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ. जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ा देखो, या फिर प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स में, राइट, वहां पे गैमेट्स मिक्सिंग हो रही थी क्या? नो. वहां पे हमने देखा ना, अगर हमको हिट्रोजाइगस स्टॉल मिल रहा है तो आपका अल्टीमेटली कहीं पे या तो शॉर्ट या तो डॉर्फ है या तो टॉल है. किसी को इंटरमीडिएट हाइट मिला मिला क्या? से यस और नो? No, ma'am. No. So, वहाँ पे we are seen that, हमने वहाँ पे देखा कि either your plants are tall या फिर either they are small, correct? तो यही फिर सुटोन एंड बोवरी ने भी इस पे identify किया, और उन्होंने भी ये चीज प्रूव किया कि मेंडल was correct, और जिसको वो फैक्टर्स बोल रहे थे that is responsible for controlling the character, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, genes. So, ultimately genes are the things are the factors that is responsible for controlling or this trait or you can say characters. Okay, so yahan pe abhi jo ek cheez hai, that is it is proposed by Sutton and Bowery, they proved that genes are responsible for controlling the characters. Matlab jo time pe Mendel ne factors bola tha na, उसको किसी ने एग्री नहीं किया. तो सुटोन एंड बोवरी ने क्या किया बच्चा लोग, उस पर स्टडी किया और उसको उन्होंने प्रूव किया कि अल्टीमेटली जीन्स आर द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल दिस कैरेक्टर्स और यू कैन से ट्रेट्स. यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चा लोग? यस मैम. ओके, दूसरा चीज ये लोग ने क्या बोला कि आपका जो सेम जो मेंडल ने बताया था, बट उनका जो भी चीजें थी इट वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड, वो सब उनके डेथ के बाद ये लोग ने प्रूफ की, तब जाके उसको एक्सेप्ट किया गया. पहले तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट भी नहीं हुई. ओके, तो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है ना बच्चा लोग, तो वो टाइम पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, ओके, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इट गेट सेपरेट. वो पैर में प्रेजेंट होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम पैर, HCP, समझ में आ रहा है सबको? होमोलोगस क्रोमोसोम पैर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये जो पेयर्स होते आपस में, दे गेट सेपरेटेड. बराबर, हम देख रहे थे ना यहाँ पे पेयरिंग है, करेक्ट, दिस आर द पेयर. अब अगर आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हो, मतलब एक ही क्रोमोसोम में आपका दोनों का दोनों अलील्स प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है बच्चा लोग आप लोग को? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो. ओके, तो इतना समझ में आया. सो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पैर है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और यू कैन से सेग्रीगेट. सेग्रीगेट होके आगे इनहेरिट होते हैं, राइट, सेपरेट एंड आगे इनहेरिट, जिसको एसॉर्ट बोलते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंटली. यही चीज तो मेंडल ने भी बोली थी, बराबर, बट उनकी बात yes. जब उन्होंने बोली थी वो चीज तब किसी ने मानी नहीं. तो सुटोन एंड बोवरी ने उसको वापस से क्या की, सारी चीजें स्टडी की और सारी चीजें प्रूफ की कि मेंडल वाज करेक्ट, ऑल दिस थिंग्स आर रियली, मतलब
these things are correct. So Sutton and Govrin ने first of all ये proof किया, they prove that जो factors Mendel के time पे था, genes are responsible for controlling the characters or trait. Next चीज उन्होंने ये भी prove किया कि during gamete formation आपके जो homologous pair है chromosomes के, they separate and assort independently. बिना mixing के वो क्या हो रहे हैं, आगे के generation में assort हो रहे हैं, right? इसके अलावा Sutton और Govrin ने ये भी बच्चा लोग प्रूव किया कि आपका जो गैमेट्स का न्यूक्लियस है, ओके, वो उसमें क्या होता है, दे कंटेंट क्रोमोसोम्स जो कि हेरिडिटरी ट्रेट्स कैरी कर रहा है. समझ में आया सबको? यस. इसके अलावा इनकी थियरी ने, दिस क्रोमोसोमल थियरी ने ये भी हमको बोला कि आपका, अभी देखो हमको क्रोमोसोम पता है कितने टाइप का क्रोमोसोम हो रहा है, टू टाइप का. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद है, 44 पेयर्स होते हैं, राइट, क्रोमोसोम के. कितने पेयर्स होते हैं? 23. यस, एग्जैक्टली. तो 23 में से मैंने आपको दो डिवीजन बताया था, याद है, 22 पेयर एंड वन पेयर, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम. यस, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड वन पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम. ओके, सो क्रोमोसोमल थियरी ने बच्चा लोग ये भी बताया कि आपके जो बाकी के 22 पेयर्स है ना, दे आर द ऑटोसोम्स. ओके, जो ऑटोसोम्स है क्रोमोसोम, दे ऑल्सो पेयर इन, मतलब ये भी कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है. एंड दिस ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट वेयर, सोमैटिक सेल्स. याद है मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज जर्म लाइन सेल्स, जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं, दिस इज जर्म लाइन सेल्स. एंड आपका ये वाला जो ऑटोसोम्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स, दैट इज मतलब सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी जो भी आपके बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, जहां पे भी प्रेजेंट है, जो भी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसके अंडर आ जाएंगे बच्चा लोग, अंडर सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक, ओके. तो अभी हमको ये पता है कि अगर हम गैमेट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स सेल्स, राइट. तो गैमेट में जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो भी हेरिडिटरी ट्रेट या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है मेल या फीमेल गैमेट में, उसको कौन कैरी करने वाला है, आपका सेक्स क्रोमोसोम, यस और नो? यस. ओके, सो इसके अलावा उन्होंने बच्चा लोग ये समझा सबको कि उन्होंने ये कहा कि आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दैट इज 22 पेयर्स. सो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, यू कैन से ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रूव दिस कि आपका जो गैमेट्स है ना, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, वही इंश्योर करते आपका नेक्स्ट जनरेशन, करेक्ट, यस और नो? यस. दिस गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स. सो ही दे प्रूव दैट गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स. मतलब आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो, because gametes are only responsible, that is ensuring the next generation, correct? इतना सबको समझ में आया बच्चा लोग, क्या ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है क्या? मैम ये gametes वाला समझाओ ना, gametes are the link between. Okay, अभी हमको पता है कि gametes, अभी मुझे एक बात बताओ, reproduction के अलावा कोई chances है next generation का? और रिप्रोडक्शन कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स, राइट? यस, यस. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. मतलब आपके जो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, बीच में लिंक क्या है, गैमेट्स का. ये पेरेंट्स से गैमेट्स हैं तभी तो बच्चा है ना, तभी तो ऑफस्प्रिंग है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड गैमेट्स. अगर पेरेंट्स के गैमेट्स नहीं होते बीच में, तो ऑफस्प्रिंग्स का पॉसिबिलिटी है क्या? नो. That's why this is called as link. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Now, अभी एक और important चीज, यहाँ पे Sutton और Govrin ने ये बोला बच्चा लोग कि यहाँ पे हमारा जो meiosis होता है ना, या फिर you can say fertilization. तो fertilization क्या करता है, आपकी diploid restore करता है. Because we know that अगर कोई भी person है, human being है, तो उसका condition कैसा है, ploid level is diploid, बराबर? Yes. But your gamete is haploid. तो यहाँ पे ये बोला है कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपका डिप्लॉइडी कवर अप होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक मेल, दिस इज डिप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड, बराबर, दोनों का गैमेट इज हाफ हाफ.
तो अब जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही वापस से डिप्लॉइडी लेवल कवर होगा, राइट? यस, दिख रहा है सबको? सो यहाँ पे अभी बुवान सोटरी ने ये भी बोला, सुटोन एंड बोविरी ने, कि यहाँ पे अगर दोनों भी पेरेंट्स यू कैन सी डिप्लॉइड है, राइट? दोनों का गैमेट फॉर्मेशन में हैप्लॉइड पार्ट आया, बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली डिप्लॉइडी लेवल वापस से क्या हुई है, रिकवर हुई है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपका नया ह्यूमन बींग बनने वाला है, राइट? अगर हम ह्यूमन बींग का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, डिप्लॉइडी लेवल कवर हो गई। अब अगर ये मेल बनता है तो भी डिप्लॉइड, फीमेल बनता है तो भी डिप्लॉइड, तो पहले जैसे कवर है कि नहीं? Yes. Yes, और इसके लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज उसी के वजह से ये डिप्लॉइडी आई ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दोनों का फ्यूजन नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होता, तो पॉसिबल होता क्या? नो no. तो फिर तो आपका गैमेट कैसा था, इट इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। समझ में आया? यस। ओके, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय सुटोन एंड बोवरी, और उन्होंने क्या किया, मेंडल का जो भी वर्क अनरिकॉग्नाइज था, जिसको सब लोगों ने डिनाई किया, उसके ऊपर स्टडी किया, पैरेलल बिहेवियर जीन का उन्होंने पढ़ा, जिसको पहले फैक्टर्स बोलते थे, एंड दे अगेन प्रूव दैट कि मेंडल वॉज करेक्ट, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रेट्स एंड कैरिंग आउट द कैरेक्टर्स। फिर उन्होंने ये भी बोला कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पैर है, दे सेपरेट और सेग्रीगेट यू कैन से, एंड उसके बाद दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, अब इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के, अभी तक तो हम लोग जीन्स की बात कर रहे थे, राइट? सो आफ्टर दैट सेक्स क्रोमोसोम देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आल्सो, जहां पे आपके जो कि सोमैटिक सेल्स में सारे के सारे प्रेजेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बिकॉज अल्टीमेटली गैमेट्स आर द थिंग्स दैट इज इंश्योरिंग योर नेक्स्ट जनरेशन। यस और नो? यस मैम। ओके, and after that they also just proved it ki fertilization restores the diploid condition. ek statement mein samajh mein aa gaya abhi aapko, kyunki yahan pe humne already karke dekha ki parents are diploid but gametes are haploid, fertilization mein dono ka addition hoke again jo bhi offspring banne wala bachcha it is going to be diploid, so ultimately your fertilization ensures the diploidy level. sabko samajh mein aaya? Yes. Yes. Any doubt till here? No. Okay. अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो. So now next is chromosomes. Okay. Chromosomes के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है बच्चा लोग, पहले आप लोग बताओ. जेनेटिक मटेरियल ओके, और कैरी जीन्स, और 1 to 2 meters रहते हैं, हाईली कॉइल्ड, 1 to 2 meters होते हैं, हाईली कॉइल्ड, ओके, और दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, यस, मेड अप ऑफ डीएनए, ओके, और अच्छा, अभी आप लोगों ने सेल साइकिल देखा है बच्चा लो? यस यस। ओके, तो सेल साइकिल में आपने फेसेस देखे थे? यस। ओके, कौन से फेस होते हैं? इंटरफेज, कौन से इंटरफेज एंड एम फेज, बस इंटरफेज एम फेज ही होते हैं, G1, G2, फेज फर्दर कंसिस्ट ऑफ फोर फेस, प्रो फेस, मेटा फेस, एनाफेस, टीलो फेस, ओके, और इंटरफेस, G1 फेस, S फेस, G1, G2, G0, जीरो, G0, प्रॉपर सीक्वेंस में बताओ, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ G1, G1 के बाद कौन सा फेस आता है? S फेस, यस, उसके बाद G2, ओके, उसके बाद G0,
जी जीरो, जी नॉट फेस यू कैन से. ओके सबको क्लियर है इतना? यस. एम फेस में कितने फेसेस होते हैं? चार. प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. बराबर. यस. सो इंटरफेस इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ फोर फेसेस. सो जी नॉट फेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज क्विसेंट फेस. पता है सबको? यस. ओके. जी वन फेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट. एनी आइडिया? फर्स्ट ग्रोथ फेस. रेस्टिंग फेस भी आप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इन जीवन फेस ऑल्सो सेल्स आर ओनली इन एक्टिव स्टेट बट डज नॉट शो एनी एक्टिविटी. ओके सो यहाँ पे सेल्स आर एक्टिव बट दे डज नॉट शो एनी एक्टिविटी. समझ में आया? जो एस फेस है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपका जो सिंथेसिस फेस है यहाँ पे अल्टीमेटली समथिंग इज डबल अप. बट वो क्या डबल अप होता है? डीएनए. यहाँ पे यस डीएनए इज इंक्रीजेस, इट बिकम्स ट्वाइस, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, कि आपका जो सिंथेसिस फेस होता है यहाँ पे आपका डीएनए जो का क्वांटिटी है इट इज डबल अप. अगर ये 2C है तो यहाँ पे आफ्टर एस फेस इट इज गोइंग टू बी 4C. बट आपका क्रोमोसोम अगर 2C है बिफोर एस फेस, सो आफ्टर एस फेस ऑल्सो इट विल बी 2C ओनली. ओके सो दिस एस फेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस, के डीएनए आपका डबल अप होता है बट योर क्रोमोसोम नंबर इज सेम. ओके सो नेक्स्ट इज जी टू फेस. जी टू फेस में क्या होता है? होगा तो आपका क्या होगा बच्चा लोग? एनी आइडिया? प्रोटीन सिंथेसिस. यस एग्जैक्टली, बिकॉज आर एन ए इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री राइट, mRNA, tRNA, sRNA, right? rRNA. ओके मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA. तो अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा RNA रिस्पॉन्सिबल है? tRNA रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. rRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो यहाँ पे अगर आपका RNA सिंथेसिस हो रहा है सो अल्टीमेटली योर प्रोटीन इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज. ओके सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर हम ये क्रोमोसोम का पार्ट पढ़े. सो नाउ वी आर क्लियर दैट मेटाफेस, यहाँ पे माइटोसिस और इंटरफेस दो होते हैं सेल साइकिल के. द इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर, जी वन फेस, एस फेस, जी टू फेस, जी नॉट फेस. अब जी नॉट फेस पे सेल कब जाता है बच्चा लोग? जी नॉट फेस पे कब जाता है वो आपको याद है? हम लोगों ने डोमिनेंसी पढ़ा था. यस मैम. डोमिनेंसी क्या होता है, क्या पढ़े थे हम? एक रेसेसी हो जाता है दूसरे का कैरेक्टर्स. अरे बच्चा वो वाला नहीं मैम, इनएक्टिव पीरियड होता है वो, मतलब यस इनएक्टिव पीरियड जो हमने स्टडी किया था ना, डोर्मेंसी पूछ रहे, मेटाबॉलिक अरेस्ट. यस यस मेटाबॉलिक अरेस्ट हमने देखा था ना डोर्मेंसी में. Yes, ma'am. जहाँ पे आपका सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है, इट अंडरगो मेटाबॉलिक अरेस्ट. तो यहाँ पे जी नॉट फेस में सेल्स तभी जाते हैं जब उनको डोरमेंसी के अंदर जाना होता है, जब वो मेटाबॉलिक अरेस्ट में जाते हैं, एंड दे एग्जिट द सेल साइकिल. ओके बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन सी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही. इन जी वन फेस द सेल्स आर इन रेस्टिंग फेस, और यू कैन से दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्स. ओके सो दे आर प्रिपेयरिंग themselves ताकि वो एस फेस में क्या करे, डिवीजन हो सके. सो दे आर प्रिपेयरिंग itself फॉर दिस नेक्स्ट फेस. समझ में आया? तो ये जो भी एक्टिविटीज है, अगर सेल को इसमें मतलब एक्टिविटीज नहीं जाना है, उसको अंडर डॉर्मेंसी जाना है, सो दे विल जस्ट एग्जिट दिस सेल साइकिल एंड एंटर्स द जी नॉट फेस दैट इज कॉल्ड एज क्विसेंट फेस, जहाँ पे वो मेटाबॉलिक अरेस्ट में जला जाएगा, जिसको हम डॉर्मेंसी भी कहते हैं. याद है हमने वहां पे पढ़ा था कि कितने भी टाइम्स के लिए वो डोरमेंसी सीट, डोरमेंट सीट्स के भी बारे में हमने पढ़ा था. तो अभी सेल साइकिल सबको क्लियर है बच्चा लो? यस. ओके तो अभी इसका जो नेक्स्ट डिटेल में है क्रोमोसोम्स का, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके
इसके अलावा क्रोमोसोम्स का कुछ हम लोग बेसिक स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्रोमोसोम्स होता है दे आर कलर्ड बॉडी, बिकॉज कहीं पे भी अगर आपको क्रोमो वर्ड आ रहा है सो क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर। इसके अलावा आपने क्रोमेटोग्राम वगैरह सुना है? यस। ओके, सो यहाँ पे क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर, जोम्स मीन्स बॉडी, सो सेम यहाँ पे क्रोमोसोम मतलब आपका कलर्ड बॉडी। इट वॉज कॉइंड बाय, ये जो वर्ड है ना कॉइंड मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज्ड एंड कॉइंड, एनी आइडिया? अभी जैसे इसके पहले हमने थियरी जो देखी थी इट वॉज प्रपोज बाय सुटोन एंड बोवरी, करेक्ट? यस। बट यहाँ पे अभी जो क्रोमोसोम्स कॉइंड मतलब ये होता है बच्चा लोग कि अभी जो क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट है ना, जैसे उसको किसी और ने प्रपोज किया, उसको किसी और ने आपके फ्रंट में रखा, बट दिस वर्ड क्रोमोसोम इट वॉज नामकरण बोलते हैं ना, इट इज लाइक दैट। तो ये क्रोमोसोम जो वर्ड है इसका नामकरण, इट इज कॉइंड बाय वाल्डेयर, ओके, इट इज कॉइंड बाय वाल्डेयर दिस क्रोमोसोम वर्ड। सो बाकी का जो भी डिटेल्स है दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, वी आर डन फॉर टुडे, ओके। सेल साइकिल आई होप सबको रिवीजन हो गया अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग क्रोमोसोम वाला पार्ट एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चा लोग? यस मैम। ओके चलो, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।